हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज नींबू के अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। ये नींबू हमने छील कर उन्हें गला कर रख रखे हैं, सो अब हम इसे बनाएंगे और चलते हैं कि इसकी तरफ। ये हमने कढ़ाई ली है और इसमें ऑयल डाल दिया है 2 चम्मच, और इसमें थोड़ी सौंफ ऐड करेंगे हम। ये थोड़ा धनिया डाला है हमने, ये आधी चम्मच हल्दी डाली है हमने, और ये 1 चम्मच लाल मिर्च, और ये हमने नींबू डाल दिए इसमें, और इसे हिला देंगे और मिक्स कर देंगे। और इसमें 2 लौंग डाल देंगे और हिला देंगे इसको। देखिए खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, आप भी जरूर ट्राई करें। और अब इसे ढक देंगे ताकि हमारे नींबू अच्छे से पक जाए। बीच बीच में नींबूओं को हिलाते रहेंगे। देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है और बहुत अच्छे से दिख रही है। आप इन्हें हिलाते रहिए बीच बीच में, और अब ढक देंगे। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, देखिए आधे तो पक ही चुके हमारे, और कलर भी कितना अच्छा आया है। आप भी मेरे इस तरीके से जरूर बनाएं नींबू का अचार। बीच बीच में हिलाते भी रहिए आप। और गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसे ही और अच्छी रेसिपी आपके लिए लाते रहेंगे। देखिए लगभग हमारा नींबू का अचार रेडी हो रहा है, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है इसकी। आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाएं नींबू का अचार। देखिए सारी चीज़ें हमारी घुल चुकी हैं इसमें। बीच बीच में इस तरीके से हिलाते रहिए। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। थोड़ी देर के लिए वो ढक कर रख देंगे ताकि हमारा अचार और अच्छे से बन जाए। इस अचार को हमें तब तक पकाना है जब तक इसकी सारी इस अचार को हमें तब तक पकाना है जब तक इसकी सारी चीज़ें सारी चीरें गल ना जाए। और थोड़ी देर बीच बीच में हिलाते भी रहना है। और अब इसमें थोड़ा नमक भी ऐड कर देंगे, नमक लास्ट में ही ऐड करना है हमें। और अब हिला देंगे, मिक्स कर देंगे इसे। ये हमारी चीरे भी नींबू की चीरे भी लगभग गल ही चुकी हैं। देखिए अब इसमें 1 कटोरी शक्कर डाल देंगे हम, और हिला कर मिक्स कर देंगे। ये हमारा अचार बनकर रेडी हो चुका है। देखिए खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।